मुरैना के सवलगढ़ में शासन द्वारा किसानों की भूमियों में फसल के उत्पादन के लिए कृषि उर्वरक खाद यूरिया को सेवा सहकारी संस्था द्वारा किसानों को विक्रय किया जाता है, जो कि सरकारी रेट पर सेवा सहकारी संस्था सवलगढ़ के प्रबंधक द्वारा कालाबाजारी कर व्यापारियों से मिलकर सरेआम विक्रय किया जा रहा है। जब किसानों को अपनी फसल में खाद डालने के लिए सहकारी संस्था पर खाद खरीदने जाता है, तब संस्था प्रबंधक द्वारा खाद न होने की बात कहकर किसानों को वापस भेज दिया जाता है। इससे व्यापारियों को साख प्रबंधक की वजह से अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। सोसाइटी में तो कौन है, प्रबंधक कौन है? प्रबंधक तो जानते हो, जानते प्रबंधक अधिकारी मौके पर न आते हुए ब्लैक खाद नहीं पकड़ा। मुझे बताया है, वैसे मैंने इस संबंध में बहुत पहले कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन अब मामला इस तरह का है कि ये काफ़ी लंबे समय से ही अधिकारी बड़े नेताओं से मिले हैं। मैंने तो इनका स्थानांतरण किया था, यहाँ से चले गए थे, ये बहुत दूर किया था, लेकिन जुगाड़ करके आ गए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाऊं वो यहाँ नहीं रहेंगे। और निश्चित तौर पर अब आज आपने मुझे अभी बताया है, और मैं बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करता हूँ, और मैं मैडम कलेक्टर से भी बात करता हूँ कि इस तरह का ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करवाता हूँ। और रही उसकी बात, आप मुझे जगह बताएँ, मैं तुरंत SDM से कहूँगा और वो वहाँ जाएंगे। आप SDM साहब से बोले हैं कि शहर सवड़ के अंदर जिले से आया है या इनके वहाँ से सोसाइटी से, किस तरीके से आया है? नहीं, मैं सोसाइटियों में दिखवाता हूँ कि आपके पास इतना अलॉट आया वो कहाँ है। सोसाइटियों से भी क्या गया होगा, कहाँ से गया है? हाँ, हमने सोसाइटी वाले से पूछा था, प्रबंधक से पूछा हमने, प्रबंधक खादनी व्यापारियों के लिए दिया गया है, जबकि हमारे पास किसकी रिकॉर्डिंग भी है कि ये खाद कहाँ से आया है, गाड़ी वाले से भी पूछा गया है। इस संबंध में हमने SDM साहब से भी पूछा था कि आप इसमें बैठ दें, उन्होंने अपनी क्या है बैठ देने से ही मना कर दिया। नहीं तो इसमें कहा इसमें कलेक्टर साहब को देने का अधिकार है, जबकि ऐसा है कुछ। इसमें मैं जानकारी लेता हूँ कि कितना तो सोसाइटी के लिए आया और कितना प्राइवेट उनके लिए आया है, तो दोनों से मिलान करेंगे तो अपने पता चल जाएगा। जो खाद यहाँ से विक्रय किया जा रहा है किसानों को, किया जा रहा है किसानों के लिए किया जा रहा है, क्या व्यापारियों के लिए दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, किसानों को किया जाता है। अच्छा, व्यापारियों के लिए आपके यहाँ से माल, हमारे यहाँ से कोई माल नहीं गया व्यापारी, हमारे यहाँ जो बिक्री हुई है। नहीं, बात सुन लो पहले, जो है बोलो, यूरिया 300 बैग बिके हैं, DAP 48 कट्टे बिके हैं, 1,38,756 रुपए की हमारे यहाँ बिक्री हुई है। वो जी कैश एंड जी रखी हुई है, जो बिक्री किन व्यक्तियों के लिए हुई है, किन लोगों ने बिक्री हुई है, वो ये रही ना, इसमें कैश में वो है, ये नाम वगैरह आप लिखो, वो नाम लिखे और क्या है कैश में, हमारा ये क्या नाम है, एक बात जो पूछ रहे उसका जवाब दो। क्या आप ही यहाँ संस्था से, मार्केट सोसाइटी से व्यापारियों के लिए माल दिया जाता है कि नहीं? हमारे संस्था से व्यापारियों को कोई माल नहीं दिया जाता है। आपकी संस्था, और आपको लिखित में मैं लेटर पैड का सील सिक्का लगा के देता हूँ, और बोलो आपकी संस्था से यहाँ से व्यापारियों, हमारे लिए हमारी संस्था से व्यापारियों को कोई माल नहीं दिया जाता है। यहाँ से दिया गया है तो? नहीं, कोई नहीं दिया गया है, हमारे पास की रिकॉर्डिंग है। आपके पास रिकॉर्डिंग है या हमारे पास कैश मेमो है? कैश मेमो तो आपकी हाथ की चीज है। अरे हाथ की चीज कैसे, जो अपने जो लेने आता है उसका कैश काटते हैं। हमारे संज्ञान में ऐसा है कि बताया गया कि आपके द्वारा दिया गया पूरा माल, जो भी नहीं, जो संज्ञान ने बताया वो गलत बताया गया। अच्छा, गलत बताया गया, आपने व्यापारी को नहीं दिया जाता? नहीं, हमारे यहाँ से व्यापारियों को नहीं माल दिया जाता, किसानों को माल दिया जाता है। व्यापारियों को तो माल क्या है, जो एजेंसी जिसके पास जिसकी होती है वो होलसेल डीलर मुरैना से ही सप्लाई करती है उनको। क्या आपको यहाँ से नहीं दिया जाता? नहीं, हमारे यहाँ से नहीं दिया जाता। दबंग न्यूज़ के लिए सवलगढ़ से लवलेश शर्मा की रिपोर्ट।